भाई साहब दिखाऊं वैगन। ओ भाई मक्लेरन हाइट देखना यार, इसको देख के तो मजा आ गया। मैं सच में रोक नहीं पाया, मैंने कहा वीडियो बना लेता। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई मैं उठ के नहा लिया हूँ, नहा के रेडी हो गया हूँ मैं। बस भगवत गीता रीड करनी रह गई है अभी, उसके बाद मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद निकलते हैं। आज गाड़ी का भी काम करना है, एक दो काम हो रहे हैं वो भी करने हैं। कॉल आ ही रही है सुबह से क्योंकि कल हमने कर दिया था यार। धक्के तो खाने पड़ते हैं अगर मनपसंद चीज लेनी हो ना तो। दो दिन हमने पूरे धक्के खाए हैं। मिल रही थी हमें ऐसी ऐसी चीजें लेकिन हमने नहीं ली। एक किया बस K5 पसंद आई थी, वो आपको पता ही है क्यों रह गई है वो। आज अभी अपने मैंने खाना खाया चीला विद ब्रेड घर पे बना के। यही फायदा होता है घर पे बनाने का। मैंने इसको आज ऐसे पहन के चला क्योंकि बाल ना खराब हो जाते हैं। अब जैसे जैसे बाल लंबे होते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है गंदे बहुत लगते हैं जब तक एक पोजीशन में ना आ जाए, और मेरे तो बहुत ही बड़े लगते हैं। भगवत गीता पढ़ ली है मैंने और खाना भी खा लिया, बस अब निकलने की देरी है, निकलते हैं भाई। इतनी ये चप्पलें पहनने की आदत पड़ी है होटल में, शूज पहनने भूल गया था। शूज भी पहन के जाना आज, चप्पलें भी लेनी है नहीं तो काम चलाना है। मैं तो भूल ही गया चप्पलें लेनी आज, अगर होप सो मिल जाए चप्पलें तो। चलो अब निकलते हैं, सबसे पहले जाना है अपने एयरपोर्ट। बस निकल रहे हैं अब, टैक्सी भी आ गई है। चलो भाई भाई, ऐसे नहीं कि जाम यहाँ नहीं लगता, लगता है लेकिन कायदे से 90% आता ही है रास्ते में। जहाँ भी जाए घूमा मैं सारी जगह हूँ, लास्ट टाइम सारी जगह विजिट किया हुआ है, इस बार वीडियो बनेगी बस। हम पहुँच गए एयरपोर्ट अराइवल पे, नीचे जा रहे हैं, वहाँ से हमें कार मिल जाएगी। और एक और चीज़ हमें जो टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने बताई है कि अब जहाँ भी आपने जाना है ना, जैसे कोई एक्टिविटी बुक की हुई है 15-20 मिनट पहले ही चले जाना, क्योंकि ये सीजन स्टार्ट हो गया है तो 8-9 महीने तक रहेगा। आज मैंने देखा रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, जाम लगा हुआ था, आपने भी देखा। तो इसलिए भाई समझदारी इसी में है, हम जल्दी निकला करेंगे अब जहाँ भी जाना 15-20 मिनट पहले। अभी हम गाड़ी लेने लगे हैं। आपको इधर तीन चीज़ें चाहिए, एक तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, दूसरा आपको पासपोर्ट चाहिए, और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, तभी आपको गाड़ी मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। और डॉक्यूमेंटेशन भाई बहुत होती है। पानी हमेशा अपना अपने साथ रखो, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ पानी। हमें ये मिल चुका है रेंटिंग के लिए, गाड़ी ऊपर रेडी खड़ी है। हमने कहा जो एक अच्छी होनी चाहिए ना SUV टाइप, तो वो मिल गई है। हम सेडान पसंद नहीं थी, जो भी है वो लेते हैं अभी, अगर कंफर्टेबल होगी तो रखेंगे, नहीं तो हम एक्सचेंज भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, ये वाली गाड़ी मिली अपने को, एक्ट्रेस जैसी है सेम बढ़िया, और इसमें बस सनरूफ नहीं है। पहले हम सनरूफ देखा था, मैंने कहा गर्मी बहुत है क्या करना है सनरूफ, तो इसलिए हमने सनरूफ का कोई फायदा नहीं लिया। अभी बस चिल्ड हो रही है गाड़ी, AC फुल पे छोड़ दिया है। और एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ गाड़ी के बारे में, जब भी आप कोई गाड़ी रेंट करते हो यहाँ से या कहीं से भी, उसकी वीडियो जरूर बना लिया करो, बाहर से भी अंदर से भी, क्योंकि भाई अगर स्क्रैच भी दिखता है ना हल्का सा तो बहुत बड़ा फटका लग सकता है। दुबई मॉल है जो सबसे बड़ा मॉल है दुबई का, वहाँ पे मॉल भाई, गाड़ियाँ यहाँ पे देख रहे हो मेरे पीछे, ओ भाई ब्लैक व्हाइट, बहुत बड़ा मॉल है ये। अब 2-3 दिन घूमोगे तब भी नहीं खत्म होगा ये मॉल, इतना बड़ा मॉल है ये, बहुत ही बड़ा मॉल है। और देखना इधर की पार्किंग की, ये रोड इतनी साफ तो कहीं नहीं दिखती भाई। शॉर्ट में ना गाड़ी में रख के जा रहा हूँ, यही फायदा होता है गाड़ी का। चीज दिखाता हूँ आपको मैं, पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि यार मैंने एक वीडियो बनानी बनती है इस गाड़ी की। भाई साहब दिखाऊं वैगन, ओ भाई मक्लेरन भाई, सच में यार इसको देख के तो मजा आ गया पार्किंग में। मैं सच में रोक नहीं पाया, मैंने कहा वीडियो बना लेता हूँ भाई। एंट्री करते ही LV, और यहाँ का एक परफ्यूम मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, देखता हूँ यहाँ पे होगा नहीं होगा। यही है? हाँ भाई ये है, यही सबसे प्यारा लगता है अपने को, है अपने पास भाई। ये मॉल ऐसा है ना, आप घूमते घूमते थक जाओगे, लेट जाओगे, लेकिन ये मॉल नहीं खत्म होगा। अभी यार मेरे को चप्पल लेनी है, पहले चप्पल लेता हूँ यहाँ से, मिल गई तो ना। आना है एडिडास पे, अभी हम यहाँ पे हैं, देखो कितना बड़ा मॉल है। अभी हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, चप्पल पर लेनी है इस बार तो लेके जाऊंगा चप्पल में। नहीं एक्वेरियम है वो जो फिश वाला है नी, बहुत बड़ा, वो इसी में ही है। हम एक्चुअली दूसरी साइड से एंटर हुए हैं, नहीं तो वो उधर की एंट्री के स्टार्टिंग में ही था। एक से एक ब्रांड बड़े हैं यहाँ पे, जो कभी सुने भी नहीं होंगे ना, ऐसे ऐसे ब्रांड है भाई। एक नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एलिसोनरो बोरियली, पढ़ लिया। ऐसे ऐसे ब्रांड है यहाँ पे, ब्रोकली ब्रोकली सब यहीं पे हैं ब्रांड। एक तो मेरे जैसे बंदे की इंग्लिश वैसे माड़ी है, और ऐसे ऐसे ब्रांड आ जाते हैं जीव अंदर ही घूम जाती है। ऐसे चप्पल लेने के लिए मेरे को जूते पसंद आ गए न्यू बैलेंस के, बहुत ही लाइट वेट है, मेरे को सही लग रहे हैं। अब मैं उतारूंगा ही नहीं, यही पहन के चलेंगे हम तो। देखो प्रोटीन बार्स यहाँ पे है यार, असली तो चीजें
ग्रेनेड पड़ी है यहाँ पे, रिपोर्ट है सारी प्रोटीन बढ़िया चीजें। पहुंच गया हूँ एडिडास के शोरूम में। अब ये वाली चप्पल थी देखो, जो पसंद आ रही है ना, डिजाइन देखो वो भी रखे हुए हैं, ये पसंद आ रही थी। अब देखता हूँ इसमें से कौन सी सिलेक्ट करते हैं। ये वाली चप्पल जो कर रहा था ना मैं, चप्पल ये थी। ओके डन कर दी। हम नाइकी के शोरूम आए थे, ये एक्चुअली शोरूम ही खुद में एक मॉल है। तो यार सामने व्यू दिखाऊं मैं आपको, ये सारा फाउंटेन शो होता है यहाँ पे। और इस साइड ये है बुर्ज खलीफा। ये देखो भाई, लास्ट टाइम यहाँ से निकले थे, फोटो वगैरह खींची थी। इस बार मैं टाइम लैप्स बनाया है मैंने, आप देखो। भूख लग रही थी तो बीकानेर वाला जिंदाबाद, अब यहाँ पे खाएंगे जैन थाली। पहले हर जगह कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक बढ़िया। बस बहुत खा लिया, अब जिम जाना है ना। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद, खाना खुना खाने के बाद हम निकल रहे हैं। अभी यार थक गया हूँ यहाँ तो। पहुंच गया होटल, लेकिन अभी हम जा रहे हैं दूध लेने। साथ में दूध लेना बहुत जरूरी है, गाड़ी यहीं पे लगा दी, दूध ले लिया। यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत कायदे में चलते हैं लोग, पता है क्यों? क्योंकि एक रेड लाइट क्रॉस का बहुत ही मोटा फाइन है, तो बहुत कायदे में चलते हैं। कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता, दूसरी लेन में नहीं जाते। अब पता लगा ना क्यों चलते हैं भाई, फाइन ही बहुत मोटे मोटे। मुस्लिन जैसी गाड़ियां लगी हुई हैं, ये होटल की पार्किंग है, हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। अब चलते हैं हम लिफ्ट से ऊपर। गाड़ियां भाई गाड़ी नहीं है, झोटे खड़े हुए हैं झोटे। यार बहुत ही अच्छा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने, कार्ड के बिना ना ये वाला गेट खुलता है, बाहर का पार्किंग वाला। बैक टू होम, थके हुए पड़े हैं लेकिन थके नहीं है, बस चेंज कर लेते हैं यार ना। अभी मार्केट में फिर आए थे, यहाँ के तो हमारे 10-12 चक्कर लग ही जाते हैं। यार नई चप्पलें डाल के ना एक बार राउंड लगा के आते हैं बाहर कैसा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब यार वीडियो को प्लीज कर दिया करो यार, सपोर्ट की बहुत जरूरत है यार। मैं आपके लिए दिखाता हूँ सारा का सारा दुबई दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।